स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिविटी के लिहाज से हम लोग बात करते हैं कि रेडियशंस का एक्सेसिव यूज़ है और इनको रोज़मर्रा जिंदगी में बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है अब हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रेडियोग्राफ़ी हम लोग देखेंगे कि रेडियोग्राफी क्या चीज़ है और ये रोज़मर्रा जिंदगी में कहाँ काम आती है आइए इस टॉपिक में कवर करते हैं जो गैमा रेज रेडियोग्राफ्स होते हैं स्टूडेंट्स उनको यूज़ किया जाता है मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम के अंदर जैसा कि इंटरनल इमेजिंग ऑफ ब्रेन डिटरमाइन प्रिसाइजली द साइज एंड लोकेशन ऑफ द ट्यूमर दिमाग के अंदर ट्यूमर को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स इंटरल इमेजिंग ऑफ द ब्रेन का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है ताकि वहां पर गैमा रेज जो है वो डिटेक्ट कर सके ट्यूमर्स को या फिर इसके अलावा दिमाग के अलावा कहीं भी बॉडी के अंदर अगर ट्यूमर पाया जाता है स्टूडेंट्स तो वो इस तरीके से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं बाई यूजिंग द रेडियोग्राफी या रेडिएशन क्रैक्स और कैविटीज इन कास्टिंग और पाइप्स कैन ऑल्सो भी डिटेक्टिव बाई स्के हम लोग इस स्कैनिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं पाइप्स और जो कास्टिंग ऑफ आयरन होती है उनके अंदर मौजूद क्रैक्स को फाइंड कर सकते हैं पता लगा सकते हैं एनी सडन इंक्रीज इन काउंट रेट इंडिकेट्स अ कैविटी विद इन द ऑब्जेक्ट जैसे ही एक सडन इंक्रीज होता है काउंट रेट का स्टूडेंट्स कि वहाँ पर हमारे पास गैमा रेज की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है तो वो इंडिकेट करना स्टार्ट कर देता है कैविटी को विद इन द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स एक गैमा कैमरा जो है हमारे पास डिजाइन किया जाता है क्या करने के लिए टू डिटेक्ट गैमा रेडिएशन फ्रॉम साइड्स ऑफ द बॉडी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अगर हम लोग डिटेक्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो गैमा कैमरा को जो है अंदर डाला जाता है बॉडी के ताकि हम लोग डिटेक्ट कर सकें क्या जहाँ पर भी ट्यूमर मौजूद है बॉडी के जिस पार्ट में भी जिस साइड में भी मौजूद है उसको फाइंड किया जा सके वेयर वेरा गैमा एमिटिंग आइसोटोप इज लोकेटेड कि कहाँ पर गैमा एमिटिंग आइसोटोप जो है वो बॉडी के अंदर मौजूद है एक इमेज जो आपको दिखाई जा रही है स्टूडेंट्स उसके अंदर बहुत सारे डॉट्स पाए जाते हैं जो कि गैमा एमिटिंग सोर्स कहलाते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर ये मौजूद होते हैं जो कैमरा होता है स्टूडेंट्स वो इस तरह भी इस्तेमाल किया जाता है कि वो एक सीक्वेंस को अपटेंड कर सकें इमेज़ का ताकि ऑर्गन का यानी कि किडनी होगी इसके अलावा कोई भी ऑर्गन हो गया उसकी एक प्रॉपर इमेज जो है स्टूडेंट्स वो हमारे सामने आ जाए और जहाँ पर भी बॉडी पार्ट के अंदर किडनी हो या कहीं पर भी हो तो ट्यूमर अगर वहाँ पर एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स तो वहाँ पर हम लोग गैमा एमिटिंग सोर्स की वजह से जो है वो उसको फाइंड कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास रेडियोग्राफी जो कि मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम के अंदर यूज़ होती है टू फाइंड द ट्यूमर थैंक यू